13 मई को चौथे चरण में होने वाले मतदान के लिए कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, भाजपा के सुब्रत पाठक और बहुजन समाज पार्टी के इमरान मीर चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव की विजय प्राप्ति के लिए यहाँ पर देखिए एक अनुष्ठान चल रहा है। यहाँ पर 108 ब्राह्मण बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये गंगा जी का पावन तट है, यहाँ पर मेहंदी घाट बोला जाता है और यहाँ पर अखिलेश यादव की विजय प्राप्ति के लिए ये एक अनुष्ठान चल रहा है। 108 जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर और कुछ जो आचार्य लोग हैं, पंडित जी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का अनुष्ठान है और उद्देश्य क्या है इसका। आचार्य जी, किस तरह का अनुष्ठान है और क्या उद्देश्य है इसका? ये विजय प्राप्ति के लिए सचंडी महायज्ञ है तो इसमें आचार्यों के द्वारा 108 दुर्गा पाठ किए जाते हैं तो यजमान के द्वारा एक साथ में 108 ब्राह्मणों के द्वारा एक एक पाठ जब होगा तो 108 पाठ संपन्न हो जाएंगे तो 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम दुर्गा पाठ के लिए महादेवी घाट सिद्धेश्वर धाम में सुनिश्चित किया गया। कितने ब्राह्मण हैं? 108 ब्राह्मण हैं। अखिलेश यादव की जीत के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ गई? ऐसा नहीं भाई साहब, आवश्यकता नहीं पड़ गई जी। हमारे नगर की हमारे ब्राह्मण बंधुओं का सहृदयता है, उनके ऊपर विशेष उनका प्रेम है हम लोगों के ऊपर, जिसके लिए हम लोगों ने स्वतः विचार करके इस कार्यक्रम को अपने आप डाला है। माननीय जी का कोई आदेश नहीं है, ना उनका कोई हमारे पास संकल्प है, मैं कदा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ गई अनुष्ठान की? ऐसा है, कन्नौज से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी, कन्नौज से उनका बहुत पुराना लगाव है। चाहे नेता जी रहे हों या अखिलेश जी रहे हों या श्रीमती डिम्पल यादव जी रही हों, कई बार कन्नौज से सांसद रहे तो उनका हर जात हर वर्ग के लोगों से विशेष प्रेम रहा और ख़ासतौर से ब्राह्मण समाज के लोगों से बहुत स्नेह रहा। ये जितने लोग हैं ये सब उनके नाम पर पूरी लोकसभा क्षेत्र से आकर और ये माननीय करुणा शंकर पंडित जी और कौशल पंडित जी के नेतृत्व में ये सभी लोग पूजा पाठ का काम कर रहे हैं और अपने गांव क्षेत्र इलाके में सर्व समाज के लोगों के बीच में जाकर अखिलेश यादव के साइकिल निशान के संबंध में गांव गांव जाकर बात कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि जो राम भक्त है वो वोट देगा और जो राम भक्त नहीं है वो वोट नहीं देगा, वो रामद्रोही करेगा। राम भक्त कौन है, कृष्ण भक्त कौन है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? भक्ति हर आदमी के दिल में है, अगर कोई हिंदू है सनातनी है वो सब राम भक्त है, चाहे वो किसी जात का हो। कोई भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट और राम और कृष्ण नहीं है, आपके कौन है, तमाम ऐसे लोग हैं। हर आदमी भगवान को पूछता है, इन लोगों ने भगवान को पेटेंट टाइप का करा रखा है, ऐसा नहीं है। अगले शादों की आवश्यकता क्यों पड़ गई भगवान के चरणों में आने की? देखो, जब कोई विजय की लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं परमात्मा को नमन करना चाहिए और जो भी हम सब ब्राह्मण बैठकर अनुष्ठान देवी जी का पाठ होता है जो ये वृद्धि की ओर ले जाता है और हमारे कन्नौज की पहचान कराने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने हर विकास कराया है और उनके इस सानिध्य में हम सब ब्राह्मणों के द्वारा ये पाठ हो रहा है। उनकी विजय की हम कामना करते हैं और आगे भी विकास होता रहे और राम की कृपा सब पर है और बनी रहेगी। राम भक्त रामद्रोही की बात बहुत चल रही है, अब ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। राम सबके हृदय में है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई भगवाना, जाकी रही भावना, जैसी प्रम मूरत देखी दिन तैसी, किसका जैसा भाव होता है उसको वैसा ही चश्मा लगा के वो व्यक्ति दिखता है। क्या कार्यक्रम है ये? हमारा महाचंडी का जो है अनुष्ठान चल रहा है एक दिवसीय, जो जगह जगह से ब्राह्मण आए हुए हैं, जैसे रसूलाबाद से हैं, कन्नौज से हैं, गुरसाहेगंज से हैं और सुरसी से हैं और इधर तुम्हारे बिल्लौर से हैं, इधर आपके हरदोई क्षेत्र के हैं, मकरन नगर क्षेत्र के हैं, उदयतापुर गांव के हैं, ऐसे कई जगह के ब्राह्मण। स्थान कौन सा बोला जाता है? ये कहूँ, ये माँ गंगा का तट है, इसको मेदी घाट कहते हैं और यहाँ पर माँ गंगा का जो है आश्रम बना हुआ है और उनकी आशीर्वाद से हम मंगल कामना विजय की ओर बढ़ें। आचार्य के सानिध्यों में सभी आप भी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं यही पास में कन्नौज से। अच्छा, कन्नौज से आए। ये किस तरह का अनुष्ठान और क्या उद्देश्य है, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिएगा, ये भगवती की उपासना है, भगवती का हम लोग पाठ कर रहे हैं, दुर्गा जी का, जिसे अभी जैसा महाराज जी ने बताया कि हम सत चंडी का पाठ कर रहे हैं और आवश्यकता तो हमारे क्षेत्र में या
समाज के लिए ऐसे कर्मों की आवश्यकता पड़ती रहती है और करना चाहिए। ये तो हाँ, तो अखिलेश यादव की जीत के लिए ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ब्राह्मणों का सर्वे हंतु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का, सभी के लिए जो हमारे पास आएगा सद्भावना से इच्छा से जो आएगा उसकी जीत होगी। लेकिन चर्चा तो ये होती है कि जो ब्राह्मण समाज का वोट है वो भाजपा में जाता है। नहीं, ऐसा विशेष तौर पर कुछ नहीं है हमारे यहाँ। देखो पूर्व से भी आपको मालूम है, कन्नौज क्षेत्र मालूम है कि चाहे लगभग हम तो ये कहेंगे कि सारा ब्राह्मण जो है अखिलेश जी को वोट देता है, सारा ब्राह्मण समाज, क्योंकि इससे पहले जीते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव की जीत की कामना के लिए यहाँ पर एक बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कन्नौज की जो लड़ाई है वो काफ़ी मजबूत है और अखिलेश यादव को जीतने के लिए यहाँ पर हर तरह की जो विधियाँ हैं वो अपनाई जा रही हैं। एक पंडित जी और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? पंडित अमित मिश्रा। अच्छा अमित जी, ये जो अनुष्ठान हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है वहाँ पर, तो जनता तो उनको वैसे भी पसंद करती है, तो इस अनुष्ठान की क्या आवश्यकता पड़ गई यहाँ पर? आवश्यकता ये है कि हम लोग केवल विकास के नाम पर सभी लोग, पहली बात तो ये ब्राह्मण लोक कल्याण चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण चाहने वाला ब्राह्मण, लेकिन कन्नौज में जो विकास अखिलेश जी ने किया है वो शायद कोई भी सत्ता में आएगा नहीं कर पाएगा। अभी पिछली बार सत्ता में लोग रहे, मुझे तो कोई भी विकास दिखाई नहीं पड़ रहा। धर्म का केंद्रीकरण तो नहीं होता चला जा रहा है राजनीति में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, ब्राह्मण मालूम है, ब्राह्मण अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण छत्री की पूजा नहीं करता भाई। ब्राह्मण छत्री पूजा क्यों करता? रावड़ी पूजा करता है। तो ब्राह्मण तो केवल ये लोक कल्याण चाहता है और जो विकास करेगा, हम लोग सभी लोग उसके साथ में, और मैं ये चाहता हूँ कि अखिलेश जी जीते यहाँ से और कन्नौज में दोबारा विकास की जो है लहर आ जाए। फिलहाल जिस हिसाब से अनुष्ठान हो रहा है उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लड़ाई है काफ़ी संघर्षमयी है, और किसी भी हालत में अखिलेश यादव की जीत के लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं वो हर तरह की गतिविधियाँ करने को तैयार है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।